The role of media in Pakistan. Being the student of political sociology and as the citizen of Pakistan, I think this topic is of quite importance for all of us. That what type of role, role media has in Pakistan, because the information revolution, it has changed all the political landscapes throughout the world, and Pakistan is not the exemption.

पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ के अंदर वो ये देख वो ये देखा जाता था कि कौन है जो सुबह उठकर अखबार पढ़ता है और अखबार के ज़रिए इंफॉर्मेशन ली जाती थी चाहे वो गुज़रे कल की न्यूज़ होती थी लेकिन उसकी बेस पर लोग आपस में बैठ कर बहस मुबास करते थे और पोलिटिकल इवेंट्स के साथ साथ सोशल इकनॉमिक कल्चरल इंफॉर्मेशन का सोर्स जो था वो प्रिंट मीडिया होता था फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेलीविज़न इन्वॉल्व हुआ और टेलीविज़न के जो न्यूज़ होती थी वो बड़ा इम्पॉटेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था फॉर द होल फैमिली तो लेकिन फिर मुल्क के अंदर बहुत सारी और तब्दीलियों के साथ साथ मीडिया का भी रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन के थ्रू ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे जैसे डॉन था नवाइवक था जंग था बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स जिनकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती थी उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स ने और फिर टेलीविजन जो था जो एक वक्त में एक पीटीवी था उसकी जगह पर और बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो थे उन्होंने भी जगह लेना शुरू कर दी इसके बाद जो तब्दीली आई है इस सारी फेज़ के अंदर उसमें क्या हुआ उस तब्दीली के अंदर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि वो अदारे जो बायदा तौर पर ग्रुप्स ने बनाए थे जिनके ज़रिए एक रिस्पांसबल कैरेक्टर डिज़ाइन किया जाएगा जर्नलिज़म का और मैस कम्युनिकेशन का उन अदारों की परफॉर्मेंस पर सवालात उठते रहे sometimes they have their strong affiliations with their ideologies or media divide on the basis of their ideological affiliations then a new phase came when with the introduction of lot of many media channels now there is no consistency in the information as well as the behavior of media now media is dependent on the owners देअर पॉलिस एंड देयर एफिलियशंस अब वो फ़ैसला करते हैं कि मीडिया के थ्रू कौन सी इंफॉमेसन और किस तरह की इंफॉमेशन जो है वो लोगों तक कम्युनिकेट होनी है ख़ास तौर पर इन रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज. बहुत सारे ऐसे इश्यूज को थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है इन केस ऑफ पाकिस्तान जिससे क्या हो रहा है कि वो इस्पांसिबल एटीट्यूड्स इट इज़ कम्युनिकेटिंग इन यूथ ऑफ पाकिस्तान लोग जो नए आने वाले हैं जिन्होंने मीडिया से इन्वॉल्व होना है उनका एटीट्यूड भी यही बन रहा है कि जितना थ्रिलिंग स्टोरी वो क्रिएट कर सकेंगे उतनी ज़्यादा उनकी आवाज़ उनकी बात या उनकी जो जो फेम है वो ऐड हो जाएगी फिर उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इन द केस ऑफ़ पाकिस्तान वो ये हुई है कि मीडिया ने रादर टू प्ले द रोल ऑफ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल मीडिया ट्राइंग टू मेनपुलेट द पॉलिसी मेकिंग एंड इवन द गवर्नमेंट मेकिंग इन द केस ऑफ़ पाकिस्तान यानी मीडिया का जो रोल था पाकिस्तान जैसी माशरे के अंदर जहाँ बहुत सारे मसाइल मौजूद थे जो रिलीजियस भी थे जो सेक्टेरियन भी थे जो सोशल भी थे वहाँ पर लोगों को बकायदा लोगों की ट्रेनिंग करने के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों की सोशलाइजेशन करने के या लोगों को सिविक एजुकेट एजुकेशन देने के मीडिया ने ख़ुद एक पार्टी बनकर अपने रोल को ऐसे परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि उसमें हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती उसमें हमें वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती बल्कि यूँ लगता है कि मीडिया खुद एक पार्टी है एंड मीडिया हैज़ इट्स ओन प्रेफ्रेंसिज़ मीडिया हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटीज़ रिगार्डिंग द गवमेंट इवन रिगार्डिंग द लीडरशिप सो अ डेज विद कॉन्टेक्सट ऑफ रोल ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान देर आर वेराइटी ऑफ कंसर्नस In every circle of Pakistan and even the masses too.